ज़्यादा कमी हॉस्पिटल बेड्स की हुई थी, सबसे ज़्यादा कमी ऑक्सीजन की हुई थी, आईसीयू बेड्स की हुई थी। उसके मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार 7 नए हॉस्पिटल विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 6,800 बेड्स, 6,800 बेड्स बनाने जा रही है, और ये 7 के 7 हॉस्पिटल्स 6 महीने के अंदर पूरे कर दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड होगा, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि 6 महीने के अंदर ये 7 हॉस्पिटल्स बन के तैयार हो जाएंगे 6,800 बेड्स के। आज हम लोगों ने शालीमार बाग के 1,430 बेड्स के हॉस्पिटल का हम लोगों ने एक तरह से नींव रखी है। आज से 6 महीने के अंदर ये 1,430 बेड्स का हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाएगा। एक खूबी तो ये है कि 6 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। मैं पीडब्ल्यूडी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया है और उन्हें पूरा यकीन है। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ जब बातचीत की, उन्हें पूरा यकीन है कि वो 6 महीने के अंदर इसे पूरा कर लेंगे। इस बेड में, इस हॉस्पिटल का हर बेड आईसीयू बेड होगा। 1,430 के 1,430 बेड्स आईसीयू बेड्स होंगे। इसका मतलब कि हर बेड पे ऑक्सीजन होगी, हर बेड पे वो जो मॉनिटर्स होते हैं आईसीयू के अंदर वो सारे होंगे। अगर उसे नॉर्मल बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहे नॉर्मल बेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आईसीयू बेड की तरह इस्तेमाल करना चाहे तो 1,430 के 1,430 बेड्स पे आईसीयू का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद होगा। एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि पहले हमारी सरकार बनने के पहले जब अस्पताल बना करते थे तो नॉर्मल बेड एक सरकारी हॉस्पिटल में, मान लो 100 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बनना है तो उसका जो लागत आती थी 1 करोड़ रुपए पर बेड के हिसाब से लागत आती थी। 2015 के पहले, हमारी सरकार बनने के पहले नॉर्मल बेड की लागत, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसकी टोटल लागत 275 करोड़ रुपए है। 1,430 बेड्स, 20 लाख रुपए पर बेड की लागत आ रही है, और वो भी आईसीयू बेड की। हमारी सरकार के पहले 1 करोड़ रुपए पर बेड नॉर्मल बेड की लागत आती थी, हम लोग 20 लाख रुपए पर आईसीयू बेड की लागत के ऊपर इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, सेंट्रली एयर कंडीशनड होगा, सारी आईसीयू की फैसिलिटीज होंगी। वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार को चुना था। अब दिल्ली के अंदर जो फैसिलिटीज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, पूरे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज आज सरकारी महकमे में, सरकारी क्षेत्र में दिल्ली में है। इसको अब हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है, और आप देखेंगे कि अब हम जो करने जा रहे हैं अगले साल 1.5 साल के अंदर, जो पूरा हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, एक एक दिल्ली के नागरिक का पूरा डेटा, उसकी हेल्थ का डेटा, हर नागरिक का, गरीब हो अमीर हो, उसका डेटा कंप्यूटर पे होगा हमारे साथ। उसे कोई पर्ची वर्ची लेके नहीं जानी, किसी भी अस्पताल में जाएगा उसकी पुरानी जितनी एक्सरे रिपोर्ट है बचपन से लेके आज तक की, उसकी जितनी MRI आज तक उसने कराई, सब कुछ हमारे पास उसका डेटा कंप्यूटर के ऊपर होगा। अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगनी बंद हो जाएंगी, आप कंप्यूटर के ऊपर ऐप पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, डॉक्टर अपॉइंटमेंट देगा, उतने बजे अस्पताल पहुंच जाओ, कोई रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपकी इंतजार करता मिलेगा, कोई लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और सबका, हर दिल्ली के नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाएंगे, और जिसके हाथ में हेल्थ कार्ड होगा उसका पूरा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसके लिए सभी अस्पतालों के अंदर फ्री होगा। तो अब हमें इंटरनेशनल स्तर पे ऐसा सिस्टम, मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी देश में है आज तक जो सिस्टम हम दिल्ली के लिए अब सोच रहे हैं।
आज इस अस्पताल का इनॉग्रेशन करते टाइम मैं खासकर हमारी एमएलए वंदना जी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने खूब दौड़ धूप करी है, जमीन डीडीए से लेने से लेके और पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में। मैं सतेंद्र जैन जी को बधाई देना चाहता हूँ जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और जिन्होंने पूरा ये कंसीव किया कि अब इसको 6 महीने में हम बना के तैयार करेंगे। मैं सभी इंजीनियर्स को, सभी ऑफिसर्स को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इसको शुरू करने के लिए पूरी तन मन धन से पूरा काम किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने के अंदर हम इसको बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। सर, अस्पतालों के अलावा दिल्ली में नासा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, पराली प्रदूषण को लेकर नासा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं सरकार की? दिल्ली की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे मैं डेली जो पॉल्यूशन का डेटा है वो ट्वीट करता हूँ। दिल्ली का अपना पॉल्यूशन है, दिल्ली में गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, कार चलती हैं, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, दिल्ली में इंडस्ट्री चलती है, वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले एक महीने से डेली में ट्वीट कर रहा हूं दिल्ली का कितना पोल्यूशन है, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में जल रही है। आसपास के राज्यों में किसान पराली जलाने को मजबूर हो रहा है, किसान को बेबस छोड़ दिया उनकी सरकारों ने, आसपास की राज्य सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने गाली गलौज करने के बजाय इसका समाधान निकाला, हमने एक घोल बनवाया है, वो घोल अगर आप खेतों में छिड़क दो तो पराली जलाने की जरूरत नहीं है। तो हम दिल्ली के सारे खेतों में फ्री में छिड़क रहे हैं, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती, हरियाणा सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती? उनकी सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए किसान वहां पे अपने खेतों में आग लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी वजह से दिल्ली को तो है ही, दिल्ली के तो हम सब लोगों को पोल्यूशन की दिक्कत हो रही है। आप ये देखो कि जो किसान जिसके खेत में आग लगाई गई है उसका पोल्यूशन से क्या हाल हो रहा होगा, उसके परिवार का पोल्यूशन से क्या हाल हो रहा होगा। तो ये जो आस पड़ोस के राज्यों की सरकारें हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी समझें और जिम्मेदारी के साथ किसानों की मदद करें। पिछले दिनों हेलो माइक नंबर, वो पूछ रहे हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जिससे भी मैं बात करता हूं, यहाँ इतने सारे आम लोग खड़े हैं वो भी मानेंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अनाप शनाप बढ़ती जा रही हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने जितने टैक्स लगा रखे हैं वो टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूँगा, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं, कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां चली गई, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर करों के अंदर भारी कमी करे ताकि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला।